अमेजन से मैंने जल्दी आ गए, 3-4-5 दिन में आ गए मेरे रियल रुद्राक्ष मुझे मिले। क्यों मुझे लग रहा था कि रुद्राक्ष नकली होते हैं, तो प्लास्टिक छोटे वाले जो रुद्राक्ष होते हैं ना, छोटी छोटी मालाएं जो बिकती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, वो लगता ही नहीं कि असली रुद्राक्ष है। कहते हैं असली रुद्राक्ष रेयर होता है, मतलब छोटा साइज़ मिलना बहुत रेयर है, क्योंकि जो असली रुद्राक्ष है उसका मेरे ख्याल से जितने भी मैंने वीडियो देखी या जो भी प्लांट्स की वीडियो देखी, ट्री की वीडियो देखी, तो इतना ही उनका साइज़ होता है, तो वो मोटे ही होते हैं, छोटे नहीं होते। और एक रुद्राक्ष माला मैंने सुनार से खरीदी, देखा तो वो प्लास्टिक के जला के देखा, तो मैंने इसलिए फ्रूट मंगाए भगवान शिव की कृपा से। महंगे भगवान शिव का आशीर्वाद मेडिटेशन के लिए अच्छे, और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है रुद्राक्ष के। 3-4 दिन काम और माइंड फ्रेश वाटर और रेगुलेट नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है, हमारे ध्यान को बूस्ट करता है। तो देखते हैं अभी बहुत दिन तक इसको क्या करना है। अभी फ्रूट हैं, देख रहे हैं आप, रुद्राक्ष के फ्रूट हैं, दिख रहा है ये। अभी इसको हमें 4-5 दिन, इसमें लिखा है 3-4 डेज इसको पानी में भिगोना है, तो हम पानी में भिगोएंगे इसको। छोटी कटोर लाया कुछ ज़्यादा, वैसे ये 9 बोला था उन्होंने, पर आए 10 हैं, और नीचे चला गया एक, तो ये 10 आए हैं। 9 में लिखा था 373, इससे भी कम में मिल रहे थे, 242 में भी मिल रहे थे, 242 में भी अवेलेबल इन इंडिया, पर ये सीधा नेपाल से है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम चाइना, बिकॉज नेपाल चाइना के अंदर में ही, मतलब चाइना के अंडर में ही अब नेपाल आ गया, तो मैंने सोचा यही मंगाओ बेस्ट है। देखिए एकदम से डालते ही फ्रूट का जो कलर है ब्लू हो गया, तो रियल है ये, क्योंकि वास्तव में जो उसका रंग है ना फ्रूट का, वो नीला होता है, जब पक जाते हैं ना फ्रूट तो नीला होता है, जैसे ही मैंने पानी में डाला तो इनके ऊपर हल्का ब्लू ग्रेश हल्का नीला कलर आ गया। तो हाँ, अब ये बिल्कुल सुनिश्चित कर रहा है कि मेरे जो रुद्राक्ष फ्रूट है बिल्कुल असली है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे नीला नीला रंग होता जा रहा है, नीला नीला रंग, हल्का ग्रे, पहले कैसा था ब्राउन लग रहा था, अब नीला नीला, तो बिल्कुल सच में ये मुझे अब मेरे रियल ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त हुए हैं। देखिए एकदम से डालते ही देखो इसका रुद्राक्ष दिखने लग गया, अब देखेंगे कितने मुखी है ये, ये दिख रहा है, एकदम से डालते ही पता चलेगा कितना मुखी है। देखो हट गया तो एकदम से, मत करो अपने आप ही हो जाएगा 3 दिन। इसको 3-4 दिन डालने के लिए कहा था, पंचमुखी 1, 2, 3, 4, 5 तो ये मेरा पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो देखिए मैंने तो थोड़ा सा ही पानी में डाला, एकदम से तो ये तो पील ही हो गया, देखो उसका नीला नीला दिख रहा ना आपको नीला, तो इसका जो रियल कलर है पकने के बाद नीला हो जाता है। आज मैंने अपने असली रुद्राक्ष पा लिए, पर ये साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो पहनने में डेली में अनकंफर्टेबल हैं, आप घर पे पहन सकते हैं। कहते हैं 84 माला से ज़्यादा नहीं पहन सकते, लेकिन वही है, देखो हम 84 कहाँ से लाए। वैसे इसका जो पूरा पैक था 108 माला को 2000 का समथिंग था, यह तो हट गए बिल्कुल ईजीली, मेरा रियल रुद्राक्ष मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी, बिल्कुल ओरिजिनल और असली। अब मैं इनको मेडिटेशन में यूज़ करूँगी, भगवान शिव जी को समर्पित करूँगी। भगवान शिव जी का आशीर्वाद, मेरे प्रिय प्रिय देवता का आशीर्वाद। है ना, बिल्कुल असली रियल। और यही एक सिंगल रुद्राक्ष लेंगे हम मार्केट में, तो आपको सुनार की दुकान पे 200, 300, 400, 500 जितना चाहे मर्जी प्राइस बढ़ा के दे देते हैं। और देखिए बिल्कुल नीला हो गया ना, बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि इसका पका हुआ फ्रूट नीले रंग का होता है, जैसे पानी में भिगोया इनका रंग देखो बिल्कुल नीला हो गया। 9 की जगह मुझे 10 मिले हैं, और एक ही रुद्राक्ष अगर आप लेंगे बोलेंगे ओरिजिनल, तो आप कोई 200, 300, 400, 500 जितना मर्जी महंगा बेच देते हैं। और देखिए इससे सबसे मोटा, कुछ छोटे हैं कुछ मोटे हैं, मतलब एक साइज़ के नहीं हैं सारे, है ना, तो छोटे साइज़ का मिलना बहुत मुश्किल, और मुझे लगता है छोटे साइज़ के नकली होते हैं। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगी, तो आप लोग भी परचेज़ कीजिएगा रियल रुद्राक्ष। ये मेरे 373 के 9 लिखे थे, 10 आए हैं, एक नीचे गिर गया अभी,
निकालती हूँ, ठीक है। और जो साथ के साथ ही पील हो गया, ये तो तीन चार दिन में नहीं, तीन चार दिन नहीं लगे तो पील हो गया साथ के साथ ही। चले फिर भी हम एक दो दिन में इसको भिगो के रखूँगी। वाह, आई लव। अब ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदी है मेरी तरह। बहुत बड़ी बात है रुद्राक्ष का ओरिजिनल मिलना कि मेरे लिए। तो आजकल इतना फेक रुद्राक्ष बनता है, छोटा रुद्राक्ष तो असली होता ही नहीं, और जितना मर्जी चाहे दाम ले लेते हैं लोग। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और जो शिव के भक्त है, मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो लोग भी बाइंग लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ख़रीद लीजिएगा। मुझे 108 की ज़रूरत नहीं, मुझे एक रुद्राक्ष भी काफ़ी है, बस इसी के द्वारा मैं ध्यान कर लूँगी। चाहे आप कितने भी रुद्राक्ष पहन लें, कुछ भी पहन लें, लेकिन जब आप सच्चे हृदय से ध्यान नहीं करेंगे, और परमात्मा की कुछ बातें जो उससे, वो भगवान शिव की विशेष बातें हैं, एकाकी रहना, कम बोलना। जो सच्चे साधु साधक होंगे वो ज़्यादातर सोशल मीडिया, यूट्यूब या वगैरह इन सब जगहों पर नहीं मिलेंगे। वो अपने ध्यान में, अपने काम में भी एकाकी रहेंगे। लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि मेडिटेशन के प्रचार के लिए मैं सत्य और शिक्षा पर ध्यान दूँ और मेडिटेशन का प्रचार करूँ, पर मेरा मन नहीं करता अधिक यूट्यूब वीडियोस बनाने का। वाओ, बिल्कुल असली नीला रंग भगवान शिव का रंग भी नीला। भगवान विष्णु के रंग में रंगे नहीं हैं शिव, लेकिन किंतु मेरे प्रिय देवता मुझे बहुत प्रिय हैं और वो बहुत सुंदर हैं। अलग अलग रूपों में मुझे दिखाई देते हैं, कभी वन, कभी जीवन, कभी फूल, कभी पत्ते। मैं उनसे प्रेम बहुत करती थी और इस बात से मेरा हृदय कहता है कि मैं उनसे रोज़ बहुत प्यार करूँ, उनके लिए रोज़ प्रार्थना करूँ। अपने भगवान के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें कि भगवान ने भी ये सत्य पाया कि परमात्मा अपने भक्तों से हैं, उनका जीवन, उनका प्रेम ही और निस्वार्थ भक्ति, उनके ऊपर करुणा करना कि हे परमात्मा, हे परम प्रकृति, मेरे करुण रूप परमेश्वर शिवा पर हमेशा आप प्रेम बरसाएं। मैं मानती हूँ सर्वशक्तिमान है, किंतु ये सत्य है कि माँ अनंत प्रकृति भी हम सब की विद्युत ऊर्जा है। और इस प्रार्थना के साथ हम भगवान शिव के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी प्रतिभा के लिए, अच्छी शक्तियों के लिए सदैव अपनी आत्म ऊर्जा को उनमें विलीन करते रहेंगे। ये मेरी कामना है और आपकी भी रहे।